हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, द करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक एग्ज़ाम के लिए, MBBPSC, PSC सारे ही एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक डायमेंशन से मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आपको कोई दूसरी जगह आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, हम सारा कुछ आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज, डू सपोर्ट, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए हम चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको जानना है कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम क्या है, अब चेंज कर दिया गया है। अब क्या है ये? हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, ओके? और अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे या फिर जो HRD मिनिस्टर थे, तो वो कौन है, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, उन्होंने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसकी रिगार्डिंग। उससे पहले कि हम बात करें कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है, सभी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड थी इसकी। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स थे, वो इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर अप होने वाले हैं, ठीक है ना। तो देश में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म्स लाना। सो हम बात करें जो समिति जिसने इसका ड्राफ्ट बनाया, तो वो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन, जो कि अध्यक्ष थे इस समिति के, जो कि पूर्व इसरो प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है। और ये जो शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद आई है, ठीक है। और इससे पहले हम डिस्कस करें, सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा नीति थी, 1968 में आई थी, जब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी शी वॉज इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो आई 1986 में आई, और 1992 यानी कि 1992 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ बदलाव किए गए, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज राजीव गांधी, ठीक है। और 1968 में क्या है, जो कोठारी समिति थी वो बनाई गई थी, और उन्हीं की सिफारिश पे, कोठारी समिति की सिफारिश पर ही हमारी जो भारत सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कोठारी समिति हमने जो 1968 वाली डिस्कस की, ठीक है, 1964 में ये बनी थी, और 1968 में जो है नई शिक्षा नीति लागू कर दी थी। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन वॉज, कि जो हमारी इंडिया की टोटल GDP है, ठीक है ना, तो हमारी जो टोटल GDP है उसका 6% जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर ही खर्च होना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए 2017-18 का, तो लगभग GDP का 2.7% ही खर्च हुआ है। कहीं ना कहीं जो खर्च होता है उसका भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता। आप सभी ने गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन देखी होंगी। सो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से ये चीज़ें बन रही हैं, तो उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना, जिनके लिए बेनिफिशियल है उन तक इनका पहुँचना, ठीक है। और हम बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, ठीक है ना, उसका परामर्श एक अभूतपूर्व प्रक्रिया से तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, 6600 संभाग यानी कि ब्लॉक्स, और कई सारे जिलों से लगभग 2 लाख सुझाव लिए गए, और उसके बाद ये नई शिक्षा नीति बनाई गई, ठीक है। अब हम बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो होता क्या है, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के प्रारूप के लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम जी, ठीक है। और हम बात करें इसके बाद जून 2017 में इसके ड्राफ्ट के लिए जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के लिए प्रारूप के लिए समिति बनाई जाती है, और इसके अध्यक्ष कौन है, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इस समिति के द्वारा 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। अब हम बात करें, ये जो नीति है 2030 के सतत विकास एजेंडा, ठीक है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है उससे जुड़ी हुई है,
हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद नहीं किए तो उनको याद कीजिए, ठीक है। इसके मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं, तो वहनीयता यानी कि अफोर्डेबिलिटी, सब अफोर्ड कर पाएँ, पहुँच यानी कि इंक्लूजन, सभी तक पहुँच पाएँ, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, इस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मस्ट बी क्वालिटी, और समता यानी कि पैरिटी, और इसके बाद जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी। ये जो है इसके मेन पिलर्स हैं। और आगे हम बात करें तो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना, ठीक है, यूनिवर्सैलिटी जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस लाने के लिए हम बात करें अवसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और नवाचार युक्त यानी कि इनोवेटिव शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर ध्यान देना होता है ना। बहुत सारे रीज़न की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। अगर विलेज वाला जो एरिया है वहाँ पर गर्ल्स की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको स्कूल भेजना नहीं भेजना चाहते। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, या फिर कहीं क्वालिटी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल छोड़ा हुआ है। तो इस पॉलिसी को लाने का, इस पॉलिसी में कई सारे आपको ऐसे चेंजेस दिखने वाले हैं जिनसे जो अभी तक की प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं जाकर वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। हम बात करें स्कूल व्यवस्था, स्कूल क्राइटेरिया की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर है, 10+2 की जो संरचना थी उसके स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम इसको देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सो देखिए, जो आप सबसे लास्ट वाला बॉक्स अगर हम देखें, ये वाला आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो है स्टार्टिंग का ये जो 5 है ना, यहाँ पे इसकी बात की गई है। यहाँ पर 3 वर्ष का जो आंगनबाड़ी और 2 वर्ष की जो कक्षा 1 और 2 की जो शिक्षा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड उनकी पढ़ाई होगी, एग्ज़ाम का कोई भी बर्डन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो 3 की हम बात करें, तो कक्षा 3 से 5, ठीक है, यहाँ पर जो है उनको नए नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। कक्षा जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं, दे आर ऑफ क्लास 6 to 8, ठीक है। सो यहाँ पर उनका फाउंडेशन बिल्डअप किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि आगे जाकर उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और क्या है। और जो कक्षा 4 है, सॉरी जो 4th ईयर की अगर हम बात करें, तो कक्षा 9 से 12 तक के लिए है, ठीक है ना। अभी तक जो होता था, बच्चा जैसे ही 10th पास करता है उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, स्ट्रीम चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी अब सॉल्व हो गई हैं, कोई भी स्ट्रीम सिस्टम अब नहीं रहा है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें 12 साल की जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ 13 साल की आंगनवाड़ी या फिर जो प्री स्कूलिंग शिक्षा होती है वो भी शामिल है। और 2 करोड़ स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि कक्षा 5 तक, ठीक है, बच्चों को उनकी मातृभाषा में या फिर जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है या फिर हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसी में शिक्षा देने के निर्देश जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। बच्चों को उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करना है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस जो है अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर बच्चे की फैमिली या वो नहीं चाहते कि उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, तो उनकी जो मदर टंग है, जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन देना होगा, ठीक है ना। और लेकिन ये सुझाव है कि कक्षा 8वीं तक भी अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। और अंग्रेजी में जो पढ़ाई है इसकी अनिवार्यता अब नहीं रही। कक्षा 9 से 12 तक स्कूल में कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अभी तक जो हुआ करता था, सभी को पता है कि आफ्टर द 10th आपको जो है कि स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, दैट इज़ अबाउट द साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, इस तरीके से। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और कक्षा 6 से ही हम बात करें, कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कक्षा 6 के बाद क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट जिन चीज़ों में होगा, उस चीज़ के प्रैक्टिकल्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो चाहते हैं तो वो उसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, कोई पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो छोटी सी एज में ये सारी चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का, बुक्स का, सबका बर्डन के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है।
और 9 से 12 कक्षा तक की जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होंगी। सेमेस्टर सिस्टम इज व्हाट अबाउट कि हर 6 महीने में पेपर होंगे। पहले होता क्या था, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, एट लास्ट जाकर पढ़ लिया और एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन उनको फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी होती थी क्योंकि वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वही हमें आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि सबको टाइमली पढ़ाई करनी होगी क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने में हुआ करेंगे। आगे अगर हम बात करें कि जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसको 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, छात्र जो हैं स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि जो उनके सहपाठी हैं वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, जिसमें अंकों के अंक तो होंगे ही, साथ साथ उनके व्यवहार और उनका जो मानसिक प्रदर्शन है उसको भी शामिल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलेज के छात्रों के लिए जो बड़ा बदलाव है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमारे जो 12th परसेंटेज होते हैं उसी के बेसिस पर हमें कॉलेजेस दिए जाते हैं, कट ऑफ जो लिस्ट होती है। तो अब क्या होने वाला है कि अगर आपका परसेंटेज कट ऑफ लिस्ट से कम है तब भी आप CAT दैट मीन्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है वो दे सकते हैं। फिर उसका जो मार्क्स होता है उसको एवेल्यूट करके आपके 12th परसेंटेज मार्क्स के साथ ऐड करके जो है आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। और अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके मनपसंद कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक चीज़ किस लिए है कि 12th के एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हम बात करें, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं कि किसी कारण से आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ हो, उस वजह से आपके परसेंटेज ठीक नहीं आ पाए हों, तो ये आपको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है अब 3 और 4 वर्षों में इसको बांट दिया गया है। पहले मैंडेटरी होता था कि आपको 3 साल पूरे देने ही होंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, 3 और 4 साल जो भी होता था। अब अगर आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं, होता है कुछ बच्चे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी भी रीज़न से जो है उनकी पढ़ाई छूट जाती है, 1 साल में छूट जाती है, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल में छूट जाती है तो वो डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको पूरी डिग्री दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी 1 साल में अगर पढ़ाई छूट गई तो वापस से आपको वो 1 साल रिपीट करना पड़ेगा अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, कई लोग तो इस वजह से ही वापस नहीं आते कि 1 साल पढ़ लिया फिर वही चीज़ वापस पढ़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डिजी लॉकर यहाँ पर बोला गया है जो आपका रेडी किया जाएगा। और जो 4th साल में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको एक रिसर्च सर्टिफिकेट, 4th साल जो होगा रिसर्च के लिए होगा, उनको एक रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ साथ डिग्री दी जाएगी। ठीक है ना, और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो NCERT है, आठ वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है ये रेडी करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेरी एंड दी न्यूमेरेसी, ठीक है ना, ये स्थापित किया जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो कि परख इसको बोला गया है ये स्थापित किया जाएगा। परख का फुल फॉर्म अगर हम देखें, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड दी एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर दी होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कुछ जो गैर लाभान्वित क्षेत्र के बच्चे हैं, जो समूह के बच्चे हैं, उनके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी। ओके, और वोकेशनल शिक्षा जो होती है, ठीक है ना, व्यावसायिक शिक्षा जो होती है और वोकेशनल शिक्षा के सहित उच्च शिक्षा में जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात को 2018 में कितना है, लगभग 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना ये एक लक्ष्य रखा गया है। और उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं उनमें लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। और IIT और IIMs की तरह ही मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होगी जहां पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उच्च शिक्षा स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन होगा। ठीक है, और संपूर्ण शिक्षा के लिए भारत का जो उच्चतर शिक्षा आयोग जो है वो सर्वोच्च निकाय होगा। ठीक है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यही सर्वोच्च निकाय होगा। अभी तक जो UGC, AICTE, NCTE होते थे ये अब कुछ भी नहीं होगा, अब क्या होगा, सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन। लेकिन जो आपका मेडिकल और लीगल शिक्षा है ये अभी भी इन सबसे अलग रहेगी। ठीक है, सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.